हमारे नबी सरकार आलम ताजदार मदीना किसान में लगातार गुस्ताखी हो रही है। यतीन अर्जीमानंद जो अपने आप को महाराज कहता है हमारे नबी सरकार आलम ताजदार मदीना के बाद तौहीन कर रहा है। FIR दर्ज कराने के लिए इसके ऊपर और इसे जेल भेजने के लिए जो है प्रार्थना पत्र दिया है। मुंबई के बाद गाजियाबाद से पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती का वीडियो सामने आने के बाद गुस्सा भड़का है। प्रेम नगर से लेकर कोतवाली तक और कलेक्ट्रेट में भी नारेबाजी की गई। हालांकि गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन यूपी के जिला बरेली में भी FIR की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। ब्रह्मपुरा की मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद इमाम तौसीफ रजा की क्यादत में भीड़ ने थाना प्रेम नगर की तरफ कूच किया। वहां पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। मस्जिद के मुतवली लकी शाह ने मांग उठाई कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे धर्म पर टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो और वो आइंदा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। इस दौरान भेरेवाली मस्जिद के वाजिद खान, जलीस अहमद, दिलशाद खान, शरीफुल्ला, हम्माद नबी भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ IMC के पदाधिकारी कोतवाली पहुंचे और सुनवाई नहीं होने पर धरने पर बैठ गए। IMC के प्रदेश संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी का कहना था कि जब तक FIR नहीं होती वे धरने से नहीं उठेंगे। इस दौरान मौलाना सोहेब रदा खान, पार्षद अनीस सकलैनी वगैरह भी मौजूद रहे। पुलिस के तहरीर रिसीव करने पर धरना खत्म कर दिया गया। AIM ने नबी की शान में गुस्ताखी का मामला कलेक्ट्रेट में उठाया। यति नरसिंहानंद सरस्वती को जल्द गिरफ्तार किए जाने के लिए आवाज बुलंद की, ज्ञापन भी सौंपा। कोई क्षेत्र में जाएंगे, कोई उनकी जगह कोई बंदा है जिम्मेदार तो वो ले ले और हमें आश्वासन दे दे कि इस पे क्या कार्रवाई हो रही। बस हाथ खत्म, सोचेगा नहीं कहने से पहले कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, हमारे देश के ऊपर क्या नीति है। किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया और यहाँ वो खुलकर बहुत रहा हमारे नबी के साथ में। क्या दे मिलना कौन से हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नारे तकबीर मोहम्मद असलम, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बरेली। क्या मामला है जो आप लोग इकट्ठे हो? मामला ये है कि हमारे नबी सरकारे आलम ताजदार मदीना किसान में लगातार गुस्ताखी हो रही है। पहले जो है रामगिरी महाराज ने महाराष्ट्र में की और उसको आज तक हिंदुस्तान की सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। इसी तरीके से यति नरसिंहानंद जो अपने आप को महाराज कहता है ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट ने इसको चेतावनी देकर छोड़ा है कि आइंदा से कभी भी जो है धार्मिक भावनाओं किसी को हाथ नहीं करोगे और हेट स्पीच नहीं दोगे। लेकिन उसके बावजूद माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद ये लगातार कल इसने जो है इसकी एक जो है वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये हमारे नबी सरकार आलम ताजदार मदीना की तौहीन कर रहा है और जो है हमारी कुरान मजीद के बारे में अपशब्द कह रहा है। हम लोगों ने आज यहाँ पर SSP बरेली के माध्यम से FIR दर्ज कराने के लिए इसके ऊपर और इसे जेल भेजने के लिए जो है प्रार्थना पत्र दिया है और हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से और महाराष्ट्र की सरकार से कि जो लोग भी हमारे नबी सरकार आलम ताजदार मदीना की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा भारत का मुसलमान और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतरेगी और जो हमसे जो संवैधानिक तरीके से हो सकेगा विरोध वो हम करेंगे।